नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना के मरीज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 31। भिवानी में भाजपा समर्थित कार्यकर्ताओं ने रोहतक गेट पर फूंका पंजाब सरकार का पुतला। गांव दिलावर में मुकेश कुमार के खेत में काम कर रहे मजदूर की जहरीला सांप के काटने की वजह से हुई मौत। मौसम बदलते ही आंखों के रोगियों की बड़ी संख्या, चिकित्सकों ने दी विशेष सलाह। गौरक्षक दल और बजरंग दल ने नगर परिषद के कार्यकर्ताओं के खिलाफ की नारेबाजी, जिला उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। स्थानीय कमला भवन में होगा श्याम जयंती महोत्सव, अनेक गणमान्य व्यक्ति करेंगे पूजन। और अब खबरें विस्तार से। इसे हम लोगों की लापरवाही कहें या फिर उनकी हिम्मत कि उन्हें कोरोना का कोई डर ही नहीं है, इसी कारण शहर में दिन प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। शहर में मंगलवार खबर लिखे जाने तक कोरोना पॉजिटिव के मरीजों की संख्या 31 हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के एक बार फिर से बढ़ने के चलते दिन प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। मंगलवार दोपहर तक आई रिपोर्ट्स के अनुसार भिवानी जिले में एक और कोरोना पॉजिटिव ठीक हो जाने के बाद अब तक आए कुल 6,419 कोरोना पॉजिटिव केसेस में से 6,243 ठीक हो चुके हैं। अब यहाँ एक्टिव मरीजों की संख्या 31 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार लोगों को मास्क लगाने और 2 गज की दूरी बनाए रखने की सलाह दे रही। हाल ही में पंजाब में बीजेपी विधायक के साथ हुए दुर्व्यवहार का मामला गरमाने लगा है। इसी मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप शहर में पंजाब सरकार का पुतला फूंका और इस दुर्व्यवहार को लोकतंत्र की हत्या बताया। पंजाब के मलोट के बीजेपी विधायक के साथ दुर्व्यवहार के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भिवानी के रोहतक गेट पर पंजाब सरकार का पुतला फूंका। इस अवसर पर भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ भी मौजूद रहे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पंजाब की कैप्टन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं किसानों का विरोध बीजेपी सरकार के खिलाफ हर जगह देखने को मिल रहा है। जहां भी बीजेपी के नेता जाते हैं, वहां अलग अलग तरीकों से किसान बीजेपी के नेताओं का जमकर विरोध करते हैं। पिछले दिनों बीजेपी विधायक अरुण नारंग का जमकर विरोध और उनके पिटाई के मामले में पंजाब के साथ साथ हरियाणा में भी मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी नेताओं ने कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला फूंका। इन नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अरुण नारंग के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार करके लोकतंत्र की हत्या की है। भौर के हमारे विधायक अरुण नारंग जी का जो अपमान पंजाब सरकार ने किया है, उसके विरोध में ये विरोध प्रदर्शन था। और इसमें जिस प्रकार से पंजाब सरकार ने उनका जिस प्रकार से अपमान किया गया है, ये सब उसको लेकर विरोध प्रदर्शन और अमरिंदर सरकार का पुतला इसके माध्यम से फूंका गया है। जो भी विधायक के ऊपर आक्रमण किया गया, उसमें पुलिस खड़ी खड़ी ये नज़ारा देखती रही और ये नज़ारा यानी कि कपड़े फाड़कर जैसे द्रौपदी के चीर हरण का मामला हमने महाभारत काल में देखा है, उसी प्रकार का ये दृश्य जो किया गया, ये बहुत शर्म की बात है कि पंजाब सरकार के जवान भी वहाँ खड़े थे और उसके बावजूद भी उन्होंने उपद्रवियों को रोकने का काम नहीं किया। ये एक पंजाब सरकार की यहाँ पे
एक ऐसा कृत्य है जिसको देखकर ये लगता है कि अमरिंदर सरकार इसमें पूर्णतः लिप्त थी, जबकि पंजाब के सारे आदमी जो केवल किसानों का नाम लेकर हमारे बॉर्डरों पर बैठे हैं, कभी भी हमारी सरकार ने उनको रोकने का काम नहीं किया, किसी प्रकार की उनको अपमानित करने का काम नहीं किया। हरियाणा सरकार पूर्णतः जो शांतिपूर्वक और अशांतिपूर्वक तरीके से भी उन्होंने माहौल को बनाया है, हरियाणा सरकार ने कभी भी उनको दंडित करने का काम नहीं किया है, तब भी ये लोग इस प्रकार की संभावनाएं झगड़े के रूप में प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त करने योग्य मामला नहीं है। इसी के आधार पर आज हमारी सरकार, जबकि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव भी सदन में लाने का काम किया, कार्यकर्ताओं ने नेताओं ने जिस प्रकार का कुकृत्य पंजाब में हमारे भाजपा विधायक के साथ किया है उसके विरोध पर विरोध में किया गया है। इस प्रदर्शन के माध्यम से हम कांग्रेस पार्टी के लोगों को बताना चाहते हैं, आप अपनी मर्यादाओं में रहें। भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत देश के अंदर इसका विरोध करती है, निंदा करती है, उनको हम चेताना चाहते हैं कि आप अपनी मर्यादाओं में रहें। अगर हम रोड के ऊपर उसी प्रकार से आ गए तो आपको अपनी इज्जत बचानी मुश्किल हो जाएगी। आगामी 4 अप्रैल को नगर में श्री श्याम जयंती महोत्सव का आयोजन किया जाने वाला है। भिवानी प्रेम मंडल द्वारा स्थानीय कमला भवन में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में बाहर से आए कलाकारों द्वारा श्याम बाबा की महिमा का गुणगान किया जाएगा। श्याम बाबा के भजनों का गुणगान, पूजा अर्चना व प्रसाद वितरण होगा स्थानीय कमला भवन में। आने वाली 4 तारीख को श्री श्याम मुंबई और भिवानी प्रेम मंडल की ओर से कमला भवन में श्री श्याम जयंती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ के आयोजकों ने बताया कि रविवार को बाबा के भजनों का गुणगान दोपहर करीबन 1 बजे से रात्रि 11-12 बजे तक किया जाएगा। इसी दौरान जहाँ बाहर से आए कलाकारों द्वारा भजन गा गा कर बाबा को रिझाया जाएगा, वहीं नगर के अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने विशिष्ट पूजन में भाग लेना है और वो बाबा का आशीर्वाद लेने यहाँ पहुँचेंगे। श्री खाटू श्याम जयंती महोत्सव 11वां प्रोग्राम जो कि कमला भवन पुराने बस स्टैंड के सामने होने जा रहा है, ये हम 11वां प्रोग्राम करने जा रहे हैं जो कि दोपहर को 1 बजे से लेके रात्रि 11-12 बजे तक चलेगा। और इसका जो है सन्निध्य जो हमारे हैं चरणदास जी महाराज करेंगे और इसके मुख्य अतिथि होंगे घनश्याम सराफ जी विधायक भिवानी और हमारे जो हैं विनोद जी चावला जो कि भिवानी से अध्यक्ष हैं और हमारे वरुण जी शोरान जो कि राजस्थान प्रभारी हैं और हमारे श्री शिवरतन जी गुप्ता सुप्रसिद्ध समाजसेवी और ज्योति प्रज्वलित करेंगे श्री रण सिंह जी यादव चेयरमैन नगर पालिका और श्री हर्षदेव जी डुडेजा समाजसेवी। और ये प्रोग्राम हमारा रात्रि के 11-12 बजे तक चलेगा और सभी पहुंचने का कष्ट करें और मास्क और इसका ध्यान रखें क्योंकि कोरोना का टाइम है तो सभी इसका पालना करें। मंगलवार को गौ रक्षा दल एवं बजरंग दल द्वारा नगर परिषद कर्मचारियों के खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन किया गया। मामला था घायल गौ वंश को उठाने से मना करना। प्राप्त जानकारी के अनुसार गौ रक्षा दल की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने के चलते गौ वंश को उठाने के लिए नगर परिषद कर्मचारियों द्वारा मना करने के कारण ये विरोध प्रदर्शन किया गया। घायल गौ वंश को उठाने से मना करने पर नगर परिषद के सफाई निरीक्षक वे नगर परिषद के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया और जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। जब गौ रक्षा दल के प्रधान संजय परमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि गौ रक्षा दल की गाड़ी कुछ दिनों से दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, इसी कारण घायल गौवंश को उठाने के लिए नगर परिषद के कर्मचारियों को फोन किया गया लेकिन उन्होंने सीधा सा जवाब दिया और मना कर दिया। उनका यह भी कहना था कि यह उनका काम नहीं है। गौरक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने कहा यदि नगर परिषद इस तरह के कार्य नहीं करेगा तो फिर इन कार्यों की जिम्मेवारी कौन लेगा। इसी बात को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय में एक दिन का धरना प्रदर्शन भी किया गया और एक ज्ञापन भी सौंपा गया। ऐसा था जी, 3 दिन पहले हमारी एम्बुलेंस एक्सीडेंट हो गई थी तो हमने प्रशासन को सूचना दी थी कि हमारी एम्बुलेंस काफी ज्यादा खतरनाक स्थिति में एक्सीडेंट हो गई है तो कृपया करके 10-12 दिन के लिए नगर परिषद को जिम्मेदारी दी जाए।
12 साल से हमारी टीम निस्वार्थ सेवा कर रही है, तो हमने प्रशासन के द्वारा माननीय विधायक श्री घनश्याम सराफ के द्वारा डीसी साहब को अवगत कराया गया था कि 10-12 दिन नगर परिषद की सेवा कर ले, तो 2 घंटे बाद ही एक बछड़ा एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे सब्जी मंडी चौकी के बराबर में। तो वहां से कंट्रोल रूम ने जब फोन किया, विकास SI जो नगर परिषद के अंदर सफाई निरीक्षक है उसके पास फोन किया कि ऐसे ऐसे बछड़ा एक्सीडेंट इसको उठा ले जाए, तो बोला ये हमारा काम नहीं है। तो बोले जी किसका काम है, उसका नंबर दे दो। बोले ना मेरे पास नंबर है ना मेरे पास काम है, ये रिकॉर्डिंग है हमारे पास। और एक सफाई दरोगा के पद पे होते हुए जबकि काम नगर परिषद का अगर नहीं है तो हमें बताया जाए काम है किसका आगे। कोई गाय बीमार, कुत्ता बिल्ली, कोई रोड पे एक्सीडेंट हो गया तो ये केस प्रॉपर्टी किसकी है, नगर परिषद की है कि नहीं है? अगर नगर परिषद की है तो इसको बीमार को और चोटग्रस्त को उठाने की जिम्मेदारी किसकी है आखिर? वो कहता है कि गौ सेवक करेंगे। अरे गौ सेवक पहले ही हमने अवगत करा था हमारी एम्बुलेंस खराब है, 10 दिन के लिए हमने कहा था, 10 दिन पास हम दोबारा ले लेंगे सेवा, और वो बोलता हमारा काम नहीं है। तो हमारा काम नहीं है तो प्रशासन बता दे किसका काम है। क्या करेंगे इस बारे में? आज जो ये धरना है वो धरना इस प्रकार का है कि हम प्रशासन से ये पूछना चाह रहे हैं कि जो गौ सेवा का काम है वो किसका है? कोई गौवंश घायल हो जाता है, अभी जो नंदीशाला है उसमें चारा नहीं है, तो इसकी जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? शहर में आज गौवंश बेसहारा घूम रहे हैं, कोई उनका कोई संभालने वाला नहीं है, क्या उसकी जिम्मेदारी गौरक्षा दल की बजरंग दल की है? तो आज हम प्रशासन से ये मांग करते हैं और ये पूछना चाहते हैं कि ये काम है किसका, और अगर ऐसी घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? फसल कटाई का मौसम, धूल भरी आंधी और बदले मौसम के कारण आंखों की बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। इसी के चलते नेत्र चिकित्सकों द्वारा आम जन के लिए खास हिदायतें जारी की गई हैं ताकि आंखों के रोगों को बढ़ने से रोका जा सके। जैसे ही फसल कटाई का मौसम आया वैसे ही आंखों के रोगियों की संख्या बढ़ने लगी है, जिससे आंखों में जलन, एलर्जी और अन्य आंखों के रोगों की शिकायत आने लग जाती है। वैसे भी कुछ दिनों से धूल भरी आंधियां चल रही हैं। जब इस बारे में आंखों के चिकित्सक डॉक्टर राखी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से मौसम में परिवर्तन आने के कारण और अभी हाल ही में फसल कटाई का सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में आंखों की विशेष देखभाल करना जरूरी हो जाता है। घर से बाहर यदि कोई भी निकले तो चश्मा लगा कर निकले और आंखों को समय समय पर ठंडे पानी से धोते रहना चाहिए। इस तरह की सलाह चिकित्सकों ने लोगों को दी है कि समय समय पर आंखों में चिकित्सक की सलाह पर दवाई भी डालनी चाहिए। धूल मिट्टी की वजह से थोड़ा किरकिरापन था, मैं यहाँ दिखाने के लिए ना, मतलब इसलिए मतलब दिखाने के लिए मैं आया हूँ। OPD के प्रीति किस लिए आया? जलाल हॉस्पिटल में आग बनवाने के लिए आए हैं, और इसलिए डॉक्टर ने कहा कि धूल चल रही है, इसलिए आपको मेरे डॉक्टर ने एलर्जी बताई है। तब दवाई वगैरह दे दी? हाँ जी। ये जो आजकल धूल भरी आंधी चली हुई है इससे मरीजों को काफ़ी एलर्जी हो जाती है, जिसके कारण पेशेंट को काफ़ी दिक्कत आती है, इरिटेशन होती है। और उसके बचाव के लिए हमें एक तो गॉगल्स यूज़ करना चाहिए, जब भी बाहर निकले तो गॉगल्स लगा के चलें, बच्चे भी बड़े जो भी हुए, और ठंडे पानी की पट्टियाँ रखो, ठंडे पानी के छपके मारने चाहिए आँखों में, बस दो बचाव हैं। अगर ज़्यादा ही उनको प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर से आके अपना कंसल्ट कर सकते हैं। बस ये मिट्टी आँखों में घुस जाती है, उसके कारण एलर्जी हो जाती है, इस वजह से। तो मेन तो यही है कि गॉगल लगा के रखें, जब भी बाहर निकले तो अपना जो सनग्लासेस होते हैं उससे आई कवर रखें अपना। हाँ पेशेंट तो हमारे पास एलर्जी के काफ़ी आते हैं, और इस मौसम में तो एलर्जी के ही पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है। कुछ तो कटाई की वजह से ही काफ़ी जो एटमोसफियर ख़राब हो पड़ा है, और कुछ आंधी वगैरह है तो जिले के गांव दिलावर में सांप के काटने से एक मजदूर की मौत हो गई। प्रवासी मजदूर के साथ ये हादसा तब घटित हुआ जब वो खेत में काम कर रहा था, जिसके बाद उसे सामान्य अस्पताल भिवानी लाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भिवानी जिले के गांव दिलावर में खेत में काम कर रहे प्रवासी मजदूर लाल बहादुर भिवारी की जहरीला सांप लड़ने की वजह से मौत हो गई। गौरतलब है कि लाल बहादुर शादीशुदा था और उसके 4 बच्चे थे। वह बिहार से खेती करने के लिए भिवानी में आया हुआ था कि उसे यहाँ काम मिल जाए।
गांव दिलावर में मुकेश कुमार के खेत में काम करते समय लाल बहादुर को जहरीला सांप काट गया, जिसकी वजह से परिजन उसे तुरंत सामान्य अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भिवानी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। ये मामला गाँव बिलावल का सर, मुकेश के खेत में ये मजदूरी करने के लिए आए थे और उसी के पास रहते थे। ये लाल बाबू है बिहार का सर, इसके 4 बच्चे हैं, इसकी पत्नी भी साथ थी, सांप ने काट दिया इसको। 4 बच्चे हैं सर, 4 बच्चे हैं, पत्नी भी साथ थी और यार दिन सांप को काटा इसको। इसके 174 की कार्रवाई कर रहे हैं सर, नतीजा से सूचित करेंगे पोस्टमार्टम के लिए, तो बाद पोस्टमार्टम भेजा जाएगा इसका। इसका छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 जी, इसकी पत्नी कह रही है डेड बॉडी के माते भी आ रही ले जाऊंगी। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर। कोरोना के मरीज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 31। भिवानी में भाजपा समर्थित कार्यकर्ताओं ने रोहतक गेट पर फूंका पंजाब सरकार का पुतला। गांव दिलावर में मुकेश कुमार के खेत में काम कर रहे मजदूर की जहरीला सांप के काटने की वजह से हुई मौत। मौसम बदलते ही आंखों के रोगियों की बड़ी संख्या, चिकित्सकों ने दी विशेष सलाह। गौरक्षा दल और बजरंग दल ने नगर परिषद के कार्यकर्ताओं के खिलाफ की नारेबाजी, जिला उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। स्थानीय कमला भवन में होगा श्याम जयंती महोत्सव, अनेक गणमान्य व्यक्ति करेंगे पूजन। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।